अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम करते हैं हम आपका कम टू कोड पे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। अगर आप एक SEO एक्सपर्ट हैं या आप SEO सीखना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि SEO के अंदर बैकलिंक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेन रोल है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। बेसिकली बैकलिंक्स की बहुत तरह की टाइप्स होती हैं। गेस्ट पोस्टिंग हो गया, रेफरल लिंक हो गया, कमेंट्स बैकलिंक हो गए, बेतहाशा टाइप्स हैं बैकलिंक्स की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि बैकलिंक्स क्या है। बेसिकली बैकलिंक्स जो होते हैं वो एक इनबाउंड लिंक्स होते हैं जो कि दूसरी की वेबसाइट से हमारी वेबसाइट को मिल रही होती है। मिसाल के तौर पर आपकी एक वेबसाइट है और वो वेबसाइट का लिंक जो है वो मेरी वेबसाइट पर है, तो वो इनबाउंड लिंक जो है वो इंडिकेट करेगा बैकलिंक को, वो बैकलिंक है। ठीक है, अब बैकलिंक क्यों ज़रूरी होता है? बैकलिंक जब हम अच्छा बैकलिंक जो होता है बेसिकली एक हाई क्वालिटी बैकलिंक होता है और एक लो क्वालिटी बैकलिंक होता है। हाई क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है और लो क्वालिटी बैकलिंक क्या होता है? हाई क्वालिटी बैकलिंक जो होते हैं वो बैकलिंक्स होते हैं जो कि हमें रैपुटेबल वेबसाइट से मिलते हैं। वो किसी अच्छी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आए, वो कीवर्ड जो है वो गूगल पे रैंक करे। तो बैकलिंक्स जो होते हैं वो इनबाउंड लिंक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट के अंदर क्या आता है, ट्रैफिक आता है। और बैकलिंक की वजह से हम क्वालिटी बैकलिंक की वजह से हमारी जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी जो है वो इम्प्रूव होती है। अथॉरिटी जब आपकी वेबसाइट की इम्प्रूव होगी तो रैंकिंग जाहिर सी बातें इम्प्रूव होगी। तो बैकलिंक्स, उम्मीद करता हूँ आज की इस शॉर्ट वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा कि बैकलिंक्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, यू नीड टू अर्न हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम रैपटेबल वेबसाइट्स टू रैंक हायर ऑन सर्च इंजन्स। वन क्वालिटी बैकलिंक कैन आउट परफॉर्म अराउंड 100 लो क्वालिटी लिंक्स। इसका क्या मतलब है? हमें ज़रूरत है कि हम अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक्स लें, हमारी जो बैकलिंक्स हों वो क्या हो, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स हो। हाई क्वालिटी का मतलब क्या है कि उन वेबसाइट्स के अंदर क्रिएट हुई हुई हों जो कि बहुत हाई वेबसाइट्स हैं, जो कि रैंक्ड वेबसाइट हैं, जिनकी अथॉरिटी अच्छी है, ताकि जब हम उस वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक जो है वो 100 क्वालिटी बैकलिंक्स के बराबर। समझ आ रही बात? मतलब अगर आपने 100 बैकलिंक्स बनाए लेकिन वो लो क्वालिटी है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने एक क्वालिटी बैकलिंक बना लिया तो वो एक क्वालिटी बैकलिंक आपके 100 क्वालिटी बैकलिंक्स जैसा परफॉर्म करता है। इज इट क्लियर टू यू? तो आपको SEO के फील्ड में ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि बैकलिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स क्यों ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सोशल बुक मार्किंग साइट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, ये एक तरह की टाइप है। ठीक है, अब आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करें, ये वेबसाइट्स जो है आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दे सकती है जिसमें ये बताएंगे कि आप यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। अब मिसाल के तौर पर अब आपको एक कंटेंट रेडी करना होगा बैकलिंक का। वो बैकलिंक का कंटेंट आपने किस तरह रेडी करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट है कम टू कोड। आप विजिट कर सकते हैं कम टू कोड वेबसाइट को। सॉफ्टवेयर के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वाटर बिलिंग सॉफ्टवेयर के लिए
स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लिए। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पेज है कम टू कोड होम पेज, इसमें मैं बैकलिंक बनाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि जो लिंक है उसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि जो मेरी वेबसाइट है वो कौन से कैटेगरी की है। तो जो मेरी वेबसाइट है यहाँ पर वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वेबसाइट फाइनेंस के ऊपर है तो आप फाइनेंस यहाँ पर चेकआउट करेंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे। या बिजनेस के ऊपर है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर वो करेंगे। अब आपकी वेबसाइट का क्या टैग्स है, मतलब आपकी वेबसाइट कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करेगी। तो मेरी वेबसाइट जो है कम टू कोड वो है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और सॉफ्टवेयर मार्केटिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर चाहता हूँ, जिस कीवर्ड पे मैं रैंक करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है वो मैं लिंक बनाऊँगा ARF का। अब मैं इसका कंटेंट रेडी करूँगा। अब मुझे इस रैंक करवाना है डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये विजिट से लेकर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं अपना कीवर्ड ऐड कर दूँगा। तो मैंने यहाँ पर कीवर्ड रैंक कर लिया। अब मुझे जो है वो अपने होम पेज को रैंक करवाना है, तो मैं यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है वेबसाइट को पेस्ट कर दूँगा।